दोस्तों, वेलकम टू द मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट नर्सिंग की अपडेट्स और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे नर्सिंग के लेटेस्ट अपडेट पीडीएफ और वहाँ पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे 5,500 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए, आप भी जुड़ सकते हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके सर्च कर सकते हो मिशन है नर्सिंग क्लासेज, वहाँ पे आप इजीली जुड़ पाओगे। अभी अपन बात करते हैं, एक वैकेंसी निकली हुई है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, उसका नाम है भील, शॉर्ट नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, जिसको ऐसा बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं वैकेंसी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वैकेंसी ज़्यादा नहीं है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, ठीक है, तो एक अच्छी वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है। स्टाफ नर्स का एग्जाम है, ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट स्टाफ नर्स, स्किल्स का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जीएनए वाला अप्लाई कर सकता है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी डिफरेंट डिफिकल्टी सर, SSLC क्या होता है, तो ये बिल्कुल इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वैसी बात नहीं है कि जो आपका 10+2 है, जो 12th का जो है सीनियर सेकेंडरी का लीव सर्टिफिकेट है, मतलब एज ए बोल सकते आप TC होनी चाहिए, और डेफिनेटली अगर आपने GNM किया तो आपके पास में ये चीज़ अवेलेबल होगी, तो इसमें आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। 12th का सर्टिफिकेट भी आपका चल जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट एक रहने वाली है, रिजर्वेशन पैटर्न SC रहेगा, ठीक है, मतलब जो एक पोस्ट है वो SC की है। एक्सपीरियंस थ्री ईयर एक्सपीरियंस आफ्टर द कंप्लीशन डिप्लोमा इन रेपुर हॉस्पिटल नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन एज स्टाफ नर्स एसेंशियल। GNM के बारे में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। BSc का इसके अंदर कोई मेंशन किया हुआ नहीं है, तो आप अगर BSc हो तो फॉर्म अप्लाई जरूर कर सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है वो आप एग्जाम के बाद ही पता लगेगा। या आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जो इनका बेल है वहाँ पे आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो, या इनको मेल भी कर सकते हो, या इनको कॉल कर सकते हो कॉलिंग नंबर पे, वो आपके लिए भी बेटर रहेगा। इसके अलावा सैलरी आपकी 80,000 से ऊपर रहने वाली है, उसके अलावा टाइम पे आपको प्रमोशंस वो सब थिंग्स आपको मिलने वाली है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट होना चाहिए। फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी है, वो आपको सब मिलेगी। आपका जो वर्क रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें मेंशन किया हुआ, जो बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी वही है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब अपन बात करें सिलेक्शन कैसे होगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 में से 100 नर्सिंग करेंगे, 50 नॉन नर्सिंग करेंगे जो नॉन टेक बोला जाता है, और अगर आप इसका एग्जाम दे रहे हो नॉन टेक के लिए भी मिशन है नर्सिंग क्लासेस की बुक्स अवेलेबल है, नर्सिंग के लिए भी मिशन है नर्सिंग क्लासेस की बुक अवेलेबल है, और अगर आप बुक का ऑर्डर करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, या डायरेक्टली आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। बुक खरीदने से पहले सैंपल पीडीएफ देख लीजिए, सैंपल पीडीएफ अगर आपको अच्छा लगता है तब आप ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस कितना है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35 मार्क्स है। इसके लिए जो रिटर्न एग्जाम होगा वो कितना, 150 मिनट का रहेगा, मतलब 2.5 घंटे अप्रोक्स एग्जाम होगा, ठीक है। इसके अलावा 1 पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग 1/2, मतलब आधा नंबर, एक क्वेश्चन सही हुआ, सॉरी दो क्वेश्चन गलत हुए तो एक नंबर चला जाएगा, दो क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन चला जाएगा, दो क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो एक राइट क्वेश्चन के मार्क्स आपके कट जाएंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन ऑल आपको दे दी है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई के साथ में आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। फॉर्म क्या है, फॉर्म की PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अगर आपको नहीं मिलता, डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे जाकर मिशन नर्सिंग क्लास सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आपको फॉर्म का परफॉर्मा मिल जाएगा। लास्ट डेट 31 तारीख है, लास्ट डेट का आपको वेट नहीं करना, उससे पहले ही फॉर्म को फिलअप करके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लगा के उसकी चेकलिस्ट को फिल करके डायरेक्टली जो ये एड्रेस दे रखा है इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है, तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में चेकलिस्ट भी है जो फॉर्म के साथ में लगी हुई है, जैसे आप फॉर्म डाउनलोड करोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अब आपको माइंड में रहेगा ऐसे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने, तो डॉक्यूमेंट की एक बार मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन वो डॉक्यूमेंट पूरे लिखे रहते हैं। जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वही लगाना है आपको। सबसे पहले आपको फॉर्म का जो आप डाउनलोड करोगे वेबसाइट से या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, वो डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद में 10th की 12th की सर्टिफिकेट, GNM की सर्टिफिकेट, आपका अगर आप कहीं वर्किंग हो तो NOC आपको लगाना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको, और आपको एक रिज्यूम बनवाना पड़ेगा। रिज्यूम बना के आप खुद ही बना सकते हो, उसमें भी ऐड करना पड़ेगा। फिर भी कुछ भी अगर इशू है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नर्सिंग की लेटेस्ट तैयारी के लिए आप नर्सिंग की तैयारी के लिए लेटेस्ट बुक के लिए मिशन है नर्सिंग क्लासेस को नर्सिंग ऑफिसर्स एम्स नॉर्सेट ESI कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए आप मिशन है नर्सिंग क्लासेस की बुक ऑर्डर कर सकते हो। बुक्स का सैंपल PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो आप बुक को सैंपल देखिए उसके बाद ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू डियर्स, ऑल द बेस्ट।